हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज का वीडियो टॉप 30 जीके में एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट 4 है। इस वीडियो में हम देखेंगे 91 से लेकर 120 तक के एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चन को, कि कौन कौन सा क्वेश्चन ग्रुप डी और NTPC के एग्जाम में पूछा गया है और कौन कौन सा एग्जाम मतलब नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, मतलब प्रीवियस ईयर को देखते हुए चल रहे, ताकि आगे NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। चलिए इस क्रम में देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया छात्र और शिक्षक दोनों के रूप में रहा। ठीक है, पहला यात्री वेनसांग था जो भारत आया, ठीक है, और 15 साल तक रहा, 5 साल तक शिक्षा ग्रहण किया, 5 साल तक पढ़ाया और 5 साल तक भारत का यात्रा किया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 91 का ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 92, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डेस में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। ऑप्शन ए है वातापी, ऑप्शन बी है अवध, ऑप्शन सी है मगध और ऑप्शन डी है मालवा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था, कि कब तक, चौथी शताब्दी के शुरुआत तक। ठीक है, अगला 93 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी, गुप्त वंश की राजधानी कौन सी थी, तो गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी, गुप्त वंश की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। सबसे पहले पाटलिपुत्र को किसने बसाया था, तो हम बताए हुए थे हरियक वंश का शासक उदीन ने बसाया था, उसने सबसे पहले अपनी राजधानी यही पटना में पाटलिपुत्र में बनाए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 94 नंबर, चलिए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त और वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, श्रीगुप्त जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें, ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त मौर्य वंश से संबंधित सही है, राजा राम चोल वंश भी सही है, बिंबिसार गुप्त वंश ये गलत है, और चौथा हो जाएगा कनिष्क कुषाण सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ये क्या हो जाएगा कि सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला 96 नंबर क्वेश्चन, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, गुप्त काल के दौरान आया था कौन सा, फाहियान गुप्त काल के दौरान भ्रमण करने आया था, किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 97 नंबर, सातवीं और आठवीं शताब्दी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे, कांचीपुरम उसकी राजधानी थे, कौन थे। ठीक है, इसका हो जाएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। ठीक है, पल्लव राजवंश की राजधानी कांचीपुरम थी और ये सातवीं आठवीं शताब्दी के लगभग में शक्तिशाली हो गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 98, डैश पांडे वंश की राजधानी थी, पांडे वंश की राजधानी कहाँ था, मदुरै, पांडे वंश की राजधानी मदुरै। ठीक है, पांडे वंश की राजधानी मदुरै। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन, डैश ने मदुरै के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया था और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की, तभी तुरंत बताए थे कि पांडे वंश की राजधानी मदुरै थी, शासन कौन करेंगे, तो मदुरै मतलब पांडे वंश वाले। ठीक है, तो हो जाएगा पांडे वंश। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन है, पूर्व चोल राजाओं में किसे सर्वसे महान माना जाता है, पूर्व चोल राजाओं में हो जाएगा ऑप्शन पुलकेशिन है, बी राज सीमा, सी करिकाल, ऑप्शन नंबर डी है नंदी वर्मन। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, निकरिकाल को पूर्व चोल राजाओं में सबसे महान माना जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, पल्लव वंश में कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करते थे, तो पल्लव वंश के शासक मतलब ऑप्शन ए राजा राज चोल, ऑप्शन बी है महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी है राज सीमा और ऑप्शन डी है विक्रमादित्य। तो पल्लव वंश का राजा जो था महेंद्र वर्मन, वो संस्कृत नाटक लिखा करते थे। ठीक है, संस्कृत नाटक लिखा करते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। ठीक है, चालुक्य राजा कन्नौज के राजा को पराजित किया था, तो ऑप्शन ए सिद्धराज सोलंकी, बी है वास्तुपाल, सी है पुलकेशिन सेकंड और डी है मूलराज। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन सेकंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 103 नंबर, चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था,
तो चोल वंश का अंतिम शासक जो था लेके राजेंद्र चोल थर्ड था, राजेंद्र चोल थर्ड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 104, 104 नंबर क्वेश्चन है, कौन से चोल राजा ने मालदीप के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। ठीक है, कौन से चोल राजा ने मालदीप के दरियाई विजय पाई थी, तो ऑप्शन है करिकाला, ऑप्शन बी है राजा राज, ऑप्शन सी है महेंद्र और ऑप्शन डी है विक्रम। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, महेंद्र जो थे लेके वो विजय पाए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 105, 105 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक चेर वंशीय राजाओं ने किस राज्य पर शासन किया था। चेर वंश का राजा था तो तमिलनाडु और केरल पर शासन, तमिलनाडु और केरल पर शासन किए थे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 106, इससे पहले दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चंस का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और नीचे में साथ साथ हमारे यूट्यूब का चैनल लिंक दिया हुआ है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लिंक से क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर है, देखिए 106 नंबर क्वेश्चन क्या है, किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था। तो था चोल वंश का राजा राजेंद्र चोल जो था लेकिन ये नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था किसके लिए, तो पूर्व एशिया के कुछ हिस्से को जीतने के लिए। ठीक है, अगर बोले कि शिवाजी के शासनकाल में अष्ट प्रधान था। ठीक है, अकबर क्या था, मुगल वंश का शासक था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 107 नंबर, अगला क्वेश्चन है, विंध्या शक्ति किस वंश के शासक थे। ऑप्शन ए है वाकाटक, बी है काकतीय, सी है पांडव और ऑप्शन डी है चोल। तो ये जो है लेकिन विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108 है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था। पाल वंश का संस्थापक गोपाल था और साथ साथ वही इसका पहला राजा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 109 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंध नहीं रखता है। ठीक है, तो पांडव दक्षिण में था ही, सातवाहन दक्षिण में थे ही, पाल नहीं थे और पल्लव थे, मतलब पाल जो राजवंश थे वो बंगाल में स्थापना किया था जिसका संस्थापक गोपाल था। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110 जो क्या है कि प्राचीन साहित्य एवं साहित्यकार से संबंधित है, इंडिका के लेखक कौन थे। मेगास्थनीज इंडिका के लेखक थे, सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी थी, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा मेगास्थनीज। 112 नंबर क्वेश्चन, तमिल कवि कम्बन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया था। तो कम्बन जो थे वो रामायण को संस्कृत भाषा में लिखे थे। ठीक है, कम्बन रामायण को संस्कृत भाषा में लिखे थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113। ठीक है, 113 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राचीन भारत में मिक्ष कटिका पुस्तक संकलित की थी। ठीक है, ऑप्शन ए कलहन, कलहन तो कसम मतलब राज तरंगनी किए थे, बानभट्ट और बीच बी में ऑप्शन है सुदरक, सी में विक्रम वेद और डी है बानभट्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुदरक जो थे लेके वही लिखे थे मिक्ष कटिका। ठीक है, यह किसके बारे है, गुप्त वंश के संस्कृति के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 114 नंबर, प्राचीन भारत में कलहन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी गई थी, तो हो जाएगा यहाँ पे राज तरंगनी। इन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, राज तरंगनी का रचना कलहन ने किया था। मुद्रा राक्षस हर्षचरित्र को लिखा था बानभट्ट, बानभट्ट लिखे थे हर्षचरित्र, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त और विक्रियो महर्षि ये लिखे थे कालिदास। ठीक है, राज तरंगनी की रचना ये किए थे कलहन, ये कलहन किए थे राज तरंगनी का रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखलम डैश भाषा में लिखे गए थे। तो संगम काल में मेनली क्या था, तमिल भाषा का उपयोग किया गया था, तो पुस्तक भी क्या हो गया तमिल भाषा में लिखा गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस ने लिखा था। मुद्रा राक्षस का लेखक जो था विशाख दत्त था। ठीक है, विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। ठीक है,
कौन से प्राचीन धर्म ग्रंथ को पांचवा वेद कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। ठीक है, महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। देखिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किसने रघुवंशम संकलित किया था? रघुवंशम की रचना किया था कालिदास, कालिदास थे रघुवंशम की रचना किए थे। कबीरदास विजय का रचना किए थे, तुलसीदास रामायण की रचना किए थे। ठीक है, और यहाँ पे है कि कालिदास की अगर पूछ दे कि प्रमुख पुस्तक कौन कौन सा, तो उसका प्रमुख पुस्तक हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, रघुवंशम, विक्रमोर्वशीय, मेघदूतम और ऋतु संहारम। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 119 नंबर, पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो पंचतंत्र के लेखक कौन थे? तो विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक थे। ठीक है, इसके लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 120 नंबर क्वेश्चन है, पंचतंत्र कथा किसके द्वारा रचित मानी जाती है? सेम क्वेश्चन पीछे वाला ही है, विष्णु शर्मा द्वारा, पंचतंत्र दंत कथा विष्णु शर्मा द्वारा लिखा गया था। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।